हेलो जी, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। और भाई, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे होंगे तो मैं आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्ती में हूँ, जो जगह सत्य साईं बाबा जी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर ये और भी जगहों के लिए फेमस है और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब जो सामने आप देख रहे हैं मेरे, वो चैतन्य ज्योति है। ये म्यूज़ियम है एक, जहाँ पे आपको जो सत्य साईं बाबा है उनका जो मैसेज है सोसाइटी के लिए वो है, उस तरह से इसे बनाया गया है। अंदर बहुत सुंदर है, साथ ही में मछलियाँ भी होती हैं यहाँ पे, वो बहुत खूबसूरत लगता है अंदर। जैसे जैसे आप जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा अंदर। कभी यहाँ रहें तो मेक श्योर की टाइमिंग्स चेक करके यहाँ विज़िट करना ना भूलें। ये देखो, बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर है वो सामने। नीचे ऊपर जो आप देख रहे हो हनुमान टॉप है। ये जी हायर सेकेंडरी स्कूल। अब इस गेट के बाद ना जिंदगी मतलब पुट्टपर्ती बिल्कुल बदल जाता है। आगे आपको दिखेगा, मतलब क्या बोलते हैं ना, होटल शॉप्स, छोटी छोटी मार्केट्स यहाँ पे आपको। बस इसके आगे शुरू हो जाएगा खाने के छोटे मोटे पॉइंट, भेलपूरी हो गई, ये सब हो गया। इसके आगे पुट्टपर्ती इज़ अ टोटल डिफरेंट गेम, जस्ट बिकॉज कि आश्रम के काफ़ी क्लोज है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है ये इधर को, तो यहाँ से जो है मतलब आप देखोगे डेवलपमेंट किस लेवल पे जा चुकी है प्रशांति नीलम की। होटल्स देख रहे हो, साईमा होटल रेजिडेंसी, मतलब बहुत अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी काफ़ी आते हैं, मतलब बाहर कंट्री से, अदर कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इंडिया से भी बहुत डिफरेंट पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से ही लोग आते हैं, पर इंडिया में भी ऑलमोस्ट हर स्टेट में स्वामी के डिवोटीज हैं, तो वहाँ आते ही रहते हैं। तो उस वजह से इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया गया है। तिरुपति बालाजी भी इसके काफ़ी पास पड़ता है, और भी काफ़ी सारी जगहें हैं वो काफ़ी पास पड़ती हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। लेपाक्षी टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, वो बहुत पास है यहाँ से, यू कैन ऑल्सो गो देयर। तो आसपास भी बहुत कुछ है जो घूमा जा सकता है। ये आ गई मेन मार्केट, ये बस ये गेट के बाद जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल में भी आपका चेकअप वगैरह सब कुछ फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, वहीं दी जाएंगी आपको, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल डन टू ह्यूमैनिटी बाय स्वामी एज अ सोशल सर्विस, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री 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 फॉर एवरीवन। मैं दे रहा हूं। तो ये साउथ इंडियन जगह है, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, पर साउथ इंडियन मोस्टली यहाँ ज्यादा मिलता है। और यहाँ का पहनावा भी आपको बिल्कुल अलग लगेगा लोगों का, क्योंकि यहाँ पे लुंगी पहनते हैं मोस्टली लोग। और ये जनरल हॉस्पिटल है, बिल्कुल पुट्टपर्ती आश्रम के बिल्कुल साथ पड़ता है ये वाला। कोई भी दिक्कत हो, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये शुरू हो गया बस, स्वामी के आश्रम का गेट शुरू हो गया, वो दीवार से स्वामी का आश्रम शुरू हो जाता है सामने, दूसरी दीवार जो है बस वहाँ के आगे। अब रश ही रश है, सामने बस स्टैंड है, रेलवे बुकिंग का काउंटर भी यहीं पर है, यहाँ से आप रेलवे बुकिंग भी करा सकते हो, तुरंत हो जाएगी। यहाँ से गोवा जा सकते हो, यहाँ से बैंगलोर के लिए बस मिल जाएगी ईजिली आपको, और भी काफ़ी सारी जगहों के लिए बसेस मिल जाएंगी, यू कैन ऑल्सो गो देयर। बस ये सामने होटल्स, लॉजेस, ये लॉज आ गए साईं गणेश, श्रीनिवास, इस तरह के लॉज भी यहाँ पे हैं। मतलब रहने की तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर आप आओगे लॉजेस होटल सब कुछ यहाँ मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर कैंपिंग। कैंपिंग नहीं है यहाँ पे, लेक है, बोटिंग हो रही है उसमें। तो जी, अभी जहाँ से हम गुजरे वो था बस स्टैंड, और यहाँ पे बस थोड़ी दूर पे जो दीवार आपको दिख रही है, इसके साथ ही जो है वो आश्रम का मेन गेट, अंदर को एंट्री जो आपको दिखेगी लेफ्ट में वो एंट्री है। राइट एंड साइड्स पे छोटी छोटी सी तरह की मार्केट्स बनी हुई हैं, गलियों में मार्केट है, बहुत सुंदर है देखने के लिए। तो अभी मैं आपको एक ऐसी मार्केट में ले जाऊँगा सामने यहाँ से, और आगे चलते चलते आगे एक चित्रावती लेक है वहाँ तक चलेंगे, और फिर आगे की लोकेशन। तो शायद ना पुट्टपर्ती में जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी पुराने लोग हैं, उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि पुट्टपर्ती एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ पे इस तरह की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स और ऐसी इमारतें होंगी। क्योंकि यहाँ पे मतलब ये ऐसी जगह है जो कभी मैप में भी नहीं आती थी, नक्शे में भी नहीं थी, था ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। उसके बाद आप आज इस सिचुएशन को देखते हो, आज इस लोकेशन को देखते हो, तो आप समझ पाओगे कितना ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर आया है।
एक चीज बहुत साउथ में जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ हरे भरे नारियल के पेड़ है और यह नारियल आपको सस्ता मिलता है क्योंकि बहुत आयत है, ज़्यादा मिलता है थोड़ा, तो 15-20 रुपए में आपको कंपैरेटिवली और जगहों से मतलब सस्ता लगा मुझे यहाँ पे, तो काफ़ी सारा नारियल पानी पीता था मैं, अच्छा होता है मतलब। ये देखो जी, अब इसके आगे आगे धीरे धीरे ना बढ़ता ही जा रहा है, ये फूड कॉर्नर्स भी मिलेंगे आपको, लंबी लंबी बिल्डिंग्स भी ऊँची ऊँची, धीरे धीरे आगे आगे को शहर बढ़ता ही जा रहा है। और लोग यहाँ पे बाहर से अंग्रेज़ इंडियंस काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे फ्लैट खरीद लिए हैं और साल के कुछ महीने जो है साल के वो यहीं स्पेंड करते हैं। तो आप पहुँच गए जी चित्रावती लेक पे। चित्रावती लेक की कहानी ऐसी है कि पहले पुराने टाइम में मतलब काफ़ी पहले जो है ये सड़क ये शहर तो था नहीं, तो गांव के उस साइड से जो है अपना वो क्या कहते हैं उसे हल होता है ना, जो बग्गी जो खींचते हैं बैल वगैरह, उसमें उसको क्रॉस करवा के नदी पार करके पुट्टपर्ती के लिए इधर को इस साइड आना पड़ता था। तो अब तो आप देख ही रहे हो, ये देखो सामने भजन चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं बढ़िया, मतलब एक क्या होता है स्पिरिचुअल जगह पे जाने का ना एक अपनी वाइब होती है, हर जगह भगवान के भजन चले हैं, कोई ना कोई गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं और बड़ा अच्छा वाइब्स जो है बड़ी अच्छी पॉजिटिव सी फील होती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसी जगह जाके। तो जी उस साइड जो चित्रावती नदी है उसके सामने वाली साइड पे हो रही है बोटिंग, तो मैंने सोचा यार हम सब ने मिलके तीनों भाइयों ने कि चलो एक बार जरा चक्कर मारा जाए, तो सोचा वहां चलते हैं एक बार देखते हैं, कुछ अच्छा रहेगा तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो यार इस साइड को जब हम आए तो हमको चलते चलते ना वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, तो हमारी टांगे ना जांगे बोलते हैं जिसको, हम वो दुख गए हैं थोड़ी, तो हमने सोचा एक ऑटो पकड़ते हैं और वापस मेन शहर की तरफ चलते हैं, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो सोचा मेन मार्केट की तरफ चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। तो अब यार पहुँच गए हैं हम, ये है जी ये जो जहाँ हम जा रहे हैं ना इसे बोलते हैं कल्प वृक्ष, कल्पतरु। एक्चुअली बाबा ने एक कल्प वृक्ष लगाया था और ऐसी मान्यता है आसपास के सबकी डिवोटीज़ की कि यहाँ पे इस पेड़ से जो भी मांगो, तो ऐसा बोलते कि बाबा से भी जो मांगा करते थे वो इस पेड़ से निकाल के देते थे, तो तब से ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ पे जाके अपनी विशेज़ ना लोग लेटर में लिखते हैं पेन से और बढ़िया विशेज़ वहाँ पे बांध आते हैं, देखना मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, या फिर मांगते हैं तो सभी मानते हैं कि यहाँ पे जब भी कुछ मांगा जाए सच्चे दिल से तो वो मतलब आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। ये देखो जी सामने आप देख रहे हो ना, ये कितने सारे लेटर्स हैं यहाँ पे, अनगिनत लेटर्स होते हैं यहाँ पे। एक्चुअली अब आगे पेड़ तक तो नहीं जा पाते, बट यहीं छोटा सा मंदिर बना दिया, वो सामने पेड़ है। तो यार बस यहाँ से हम कुछ ही अभी समझ लीजिए कि 2-3 दिन में वापस निकल जाएंगे, तो करण ने कहा अभी शॉपिंग कर लेते हैं घर के लिए, अब इतनी दूर जाओ ना यार तो कुछ ना कुछ घर वालों के लिए छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से ले जानी चाहिए, तो करण भी वैसा ही कर रहा है, मैंने भी सोचा कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेके जाता हूं। तो यहां पे ये चीज़ें मालाएं वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं, की चेन्स की रिंग्स, तो छोटा छोटा सामान लेंगे फैमिली के लिए, वो भी खुश हम भी खुश, बाकी ब्लेसिंग्स तो है ही हैं बाबा की। चलिए फिर इसी बात पे यार शॉपिंग तो हो गई ख़त्म, छोटा मोटा जो सामान लिया जा सकता था वो ले लिया गया है और अब चलेंगे वापस। आज का दिन थोड़ा थकान भरा था, हम थक चुके हैं, रेस्ट करेंगे और 1-2 दिन में यहाँ से वापस निकल जाएंगे। वापस निकलने वाला जो व्लॉग है वो जल्दी ही आएगा चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।